वेलकम टू स्टेपअप आईएएस इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल डिस्कशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। 26 नवंबर है आज, ऐतिहासिक दिन। 11 साल हो चुके हैं आज मुंबई टेरर अटैक को, और उसी के मौके पर हर जगह पर अलग अलग इवेंट हो रहे हैं। तो उसके बाद बहुत सारे बदलाव हुए भारत में, नई नई संस्थाएँ एजेंसी बनी जिससे कि सिक्योरिटी को इंश्योर करने की कोशिश की गई है। तो आइए आज के आर्टिकल पर बात करते हैं, जो कि बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल आए हुए हैं आज न्यूज़पेपर में। तो शुरुआत करते हैं ऐसे राइटिंग के फैक्ट से, और आज का ऐसे राइटिंग का जो कोट है वो महात्मा गांधी जी का है। कहा जा रहा है, द वीक कैन नेवर फॉरगिव, फॉरगिवनेस इज एन एट्रीब्यूट ऑफ द स्ट्रांग। ऑब्वियसली जो कमज़ोर लोग होते हैं वो कैसे माफ़ी दे सकते हैं, उनसे तो कोई माफ़ी मांगने के लिए जाएगा भी नहीं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि फॉरगिवनेस जो है, माफ़ी जो है, वो एक बलशाली व्यक्ति का एट्रीब्यूट होता है। मतलब अगर आप स्ट्रांग हैं तो आपको सामने वाले को माफ़ करना चाहिए, ये आपका एट्रीब्यूट है, ये आपकी क्वालिटी है। और इस कोटेशन का यूज़ आप ऐसे राइटिंग में कर सकते हैं, आप एथिक्स पेपर 4 में कर सकते हैं, वहाँ पर एटीट्यूड और फॉरगिवनेस इन सभी टॉपिक पर आपसे सवाल पूछे जाते हैं। कई बार तो ये ऐसे डायरेक्टली आपको कोटेशन दे दिया जाएगा और आपको इसको एक्सप्लेन करना होगा वहाँ पर 250 वर्ड में। तो रेडी फॉर दैट कि इसमें आप क्या चीज़ें कोट करेंगे, क्या लिखेंगे, सब इम्पॉर्टेंट हैं। आगे बढ़ते हैं, ये जानकारी कोचिंग के बारे में है। स्टेपअप आईएएस इंस्टीट्यूट मुखर्जी नगर में है एज़ यू नो, एंड यहाँ पर क्लासरूम प्रोग्राम में आपको इंग्लिश मीडियम में पूरा कोर्स मिलता है, फुल कोर्स। इसमें की फाउंडेशन के साथ साथ एक मेंटर होते हैं जो आपकी मदद करते हैं आपके सेल्फ स्टडी में। लेकिन उनका क्या, जो लोग कोचिंग ख़त्म कर चुके हैं या कोचिंग के फाउंडेशन कोर्स या क्लासरूम में अभी नहीं जाना चाह रहे, उनको लगता है एनसीईआरटी पढ़ लेने से उनका काम बन जाएगा, तो उनके लिए ये है कि आपको एक सही डायरेक्शन की ज़रूरत तो पड़ेगी। चाहे आप किसी कोचिंग में जाएं अथवा ना जाएं, आपके घर में कोई हो जो आपको सुपरवाइज कर रहे हों, मॉनिटर कर रहे हों, तो ये इसलिए ज़रूरी है बिकॉज हाउ विल यू फाइंड आउट द वे। आप कैसे पता करेंगे कि मैं कम समय में कैसे सेलेक्ट हो जाऊं? आपको इस बार 2020 का अटेम्प्ट क्रैक करना है, आपके पास 6 महीने प्रीलिम्स के लिए बचे हुए हैं और टोटल प्लस 3 करेंगे तो 9 मंथ्स आपके लिए मेंस के लिए आपके पास हैं। इसमें आपका पूरा सिलेबस ख़त्म हो जाए, आंसर राइटिंग पर कमांड हो जाए, टाइम मैनेजमेंट पर आप फोकस कर लें और प्रेशराइज्ड वे में वैसे ही पढ़े जैसे कि आप मार्च से अपनी पढ़ाई शुरू करने वाले हैं। तो इसके लिए एक छोटा सा शॉर्ट टर्म प्रेशर तो होना चाहिए। तो यहाँ पर जो कोर्स होता है गाइडेंस का, ये काफ़ी अच्छा होता है, आप लोगों की बहुत ज़्यादा मदद हो जाती है इससे। बाकी की जानकारी कोचिंग में आकर के या इस कॉन्टैक्ट नंबर पर आप लोग ले सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले आर्टिकल से, बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, लेबर रिफॉर्म पर है। तो अभी भारत में अगर हम इस न्यूज़ पर बात करें कि ये आर्टिकल क्यों लिखा गया होगा, तो इसके जो ऑब्जेक्टिव हैं वो आपके दिमाग में एकदम क्लियर होने चाहिए कि अभी कोई भी बदलाव, अगर लेबर लॉ में बदलाव किया जा रहा है, रिफॉर्म किया जा रहा है, तो वो जाहिर तौर पर अपनी अभी भारत का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, भारत में जो इतना ज़्यादा पोटेंशियल है, अभी लेबर का पोटेंशियल है, उनको अभी जॉब देनी होगी। साथ में जो कंपनी है, इंडस्ट्रीज़ है, उनको भी मोटिवेट करना पड़ेगा कि वो अपने यहाँ पर भारत के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मौका दें कि वो काम करें। तो इसके लिए दोनों के लिए रिफॉर्म लाना ज़रूरी है, मतलब लेबर के प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी के लिए भी, वेलफेयर के लिए भी लॉ और कानून आना ज़रूरी है, साथ में जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो भी मोटिवेटेड तरीके से काम करें, इसके लिए भी रिफॉर्म होना ज़रूरी है। तो इसी को बैलेंस वे में बनाने की कोशिश की जा रही है सरकार के द्वारा, और रिसेंटली जो प्रपोज़ल आया है उसके अकॉर्डिंगली 4 इम्पॉर्टेंट लॉ जो पहले से एग्जिस्ट करते हैं, रूल्स, यहाँ पर हम बात करें 4 इम्पॉर्टेंट एक्ट की, जिसको उसमें मर्ज करने की कोशिश की जा रही है। द इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 एंड पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। ये ऐसे 4 लॉ हैं, एक्ट हैं जो एग्जिस्ट करते हैं। वैसे देखा जाए तो टोटल 44 नेशनल लेबर लॉज एग्जिस्ट करते हैं भारत में, जिसमें कि जिसको कि अभी 4 कोड के अंतर्गत सब्स्यूम किया जा रहा है, इकट्ठा किया जा रहा है। आइए आर्टिकल पर चलते हैं, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा की फीचर जान लेते हैं कि आखिर जो प्रपोजल आया है रिसेंटली लेबर मिनिस्ट्री के द्वारा, उसमें क्या क्या बदलाव किया गया है। देखिए, पहला और इम्पॉर्टेंट जो बदलाव लाया जा रहा है वो है फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट को लेकर के। हमने कई आर्टिकल में डिस्कस किया है ना, आखिर फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट क्यों लाया जाएगा।
इस पे कोई समस्या होगी तभी तो लाया जाएगा। तो कंपनियां ज़्यादातर क्या करती है, हायर एंड फायर की पॉलिसी को अपनाती है। मान लीजिए आज उन्होंने 100 लोगों को अपने यहाँ पर काम दे दिया, एम्प्लॉयमेंट दे दिया, रोजगार दे दिया, उनका छोटा सा प्रोजेक्ट था, काम खत्म हो गया, 2 महीने के बाद उन्होंने उनको निकाल दिया। अब वो 100 लोग कहाँ जाएंगे, जो लेबर काम कर रहे थे उनके पास कोई ऐसा सिक्योरिटी नहीं होता और वो फिर से अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। तो इसी के लिए ये जो सिस्टम है उसको बदलने की कोशिश की जा रही है सरकार के द्वारा। फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट लाने के लिए कहा जा रहा है कि एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए आप फिक्स करिए उनका कॉन्ट्रैक्ट कि हम आपको इतने दिन तक काम देंगे ही और उससे हम आपको नहीं निकालेंगे। दूसरा जो इम्पोर्टेंट बदलाव की फीचर है वो क्या है कि कोई भी बदलाव जब कंपनी करेगी, अगर उन्हें उनके यहाँ पर 100 लोग से ज़्यादा वर्कर काम करते हैं तो उनको प्रायर इन्फॉर्मेशन देना होगा, ठीक है। और इसका जो 100 लोगों का जो यहाँ पर काउंट है उसको बदला जा सकता है एज़ पर द नोटिफिकेशन। इसको 50 भी किया जा सकता है, 200 भी किया जा सकता है, इट विल डिपेंड अपॉन द सिचुएशन फर्दर। तीसरा इम्पॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा। इट विल सेट अप द ट्रिब्यूनल जिसमें कि 2 मेंबर होंगे। और ट्रिब्यूनल का काम क्या होता है, जाहिर तौर पर कोई भी समस्या है, कोई भी दिक्कत है तो ग्रेवियंस रिड्रेसल का काम करती है ट्रिब्यूनल, जो कि प्रपोजल में यहाँ पर लाया गया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और कोई भी नॉर्म्स को ब्रीच करने पर, तोड़ने पर फाइन पेनल्टीज को भी इन्वॉल्व किया जाएगा। तो इन शॉर्ट पूरी तरीके से लेबर के वेलफेयर एंड सिक्योरिटी की बात की जा रही है। आर्टिकल में सेम बात कही जा रही है। 2019 का ये जो लेबर कोड और इंडस्ट्रियल रिलेशन है उसको कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है और उसके बाद जो सर्टेन फीचर्स अभी हमने डिस्कस किया उनको इंश्योर किया जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्या होगा, सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना वर्कर्स को और वर्कर के लिए एक अच्छा एनवायरमेंट क्रिएट करना, फिक्स टर्म उनको जॉब प्रोवाइड करना। तो ये सारे अच्छी अच्छी बातें यहाँ पर कही जा रही हैं, बट प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम कहाँ हो सकता है। अब सरकार ने तो बड़ा अच्छा सोच करके इस प्रपोजल को पेश किया है, लेकिन दिक्कतें आ सकती हैं राज्य सरकार जब इसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तब वहाँ पर दिक्कत आ सकती है। जहाँ पर बीजेपी रूल्ड गवर्नमेंट है वहाँ तो चलिए बदलाव हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर बताया जा रहा है कि कुछ ऐसे राज्य हैं जो जहाँ पर इंडस्ट्री बेस बहुत ज़्यादा है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में वो बहुत बूम कर रहे हैं, आगे जा रहे हैं। उसमें महाराष्ट्र का एग्जाम्पल लिया जा रहा है कि महाराष्ट्र ने जब अपने यहाँ पर लेबर लॉ को ईज़ किया, उसको थोड़ा सा लिबरल बनाया, तो कैसे वहाँ की इकोनॉमी बहुत बूम करी थी और जो इंडस्ट्रीज़ और कंपनी हैं सभी का फ़ायदा हुआ, साथ में लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिला था। चूँकि ये जो सब्जेक्ट है लेबर रिफॉर्म का वो कंकरेंट लिस्ट में आता है, तो इसीलिए प्रॉब्लम थोड़ी सी हो सकती है, इसके इम्प्लीमेंटेशन वगैरह में दिक्कतें आ सकती हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फीचर को यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है, डाटा फैक्ट है, ये आप अपने आंसर वगैरह में यूज़ कर सकते हैं कि अभी आपको अगर मैक्सिमम जॉब को क्रिएट करना है तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, लिबरलाइज करना, ईज़ करना नॉर्म्स को। जो लेबर रिफॉर्म का ईज़ है उसमें हम सिर्फ लेबर के प्रस्पेक्टिव से ही बात ना करें बल्कि इंडस्ट्रीज़ और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की टर्म्स में भी बात करें। इकोनॉमिक सर्वे का डाटा यहाँ पर दिया जा रहा है कि सर्वे के अकॉर्डिंगली क्या बताया गया, बताया गया कि जब लेबर मार्केट को फ्लेक्सिबल किया गया वर 25.4% मोर प्रोडक्टिव देन द काउंटर पार्ट्स इन द स्टेट। जब अपने यहाँ पर किसी राज्य ने लेबर मार्केट को ईज किया, फ्लेक्सिबल बनाया, तो उनका प्रोडक्टिव लेवल जो है वो बढ़ गया उस राज्य का एज़ कम्पेयर टू ऐसे स्टेट जहाँ पर लेबर लॉ बहुत ज़्यादा रिजिड थे, ठीक है। तो लेबर लॉ रिजिड होने का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे टफ रूल्स बना दिए जाते हैं, कंपनी के अगेंस्ट बहुत सारे रूल बना दिए जाते हैं, तो ऐसे में क्या होता है फिर कंपनी हायर ही नहीं करती ज़्यादा लोगों को, और कम लोगों को हायर करके उससे मान लीजिए आपने फिक्स कर दिया कि आप लेबर से 7 घंटे ही काम करवाएंगे, आपको इतना पैसा देना पड़ेगा, आपको फिक्स टर्म के लिए काम करवाना पड़ेगा, और ऐसे 10-15 रूल आपने बना दिए, तो उससे अगर इंडस्ट्री को ऑब्वियसली कंपनी को फ़ायदा नहीं होगा, उनको नुकसान होगा, तो फिर वो क्या करेगी, कम लेबर को हायर करेगी, उससे ज़्यादा काम लेने की कोशिश करेगी। तो यही सब बातें यहाँ पर कही जा रही हैं। और अभी क्या डिमांड है भारत में, तो 10 मिलियन यंग पीपल हैं जो जॉब की डिमांड कर रहे हैं और दे ईगरली वेटिंग फॉर अ गुड जॉब। तो इंडियन इंडस्ट्री में अभी डिमांड बहुत ज़्यादा है इस जॉब की, इसीलिए इस वक्त लेबर मार्केट को ईज करना ज़्यादा सही डिसीजन होगा। एग्जांपल के तौर पर अगर आप जानना चाहें तो अदर कंट्रीज से एग्जांपल आप अपने आंसर में लिख सकते हैं, वियतनाम, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, इन सभी ने अपने यहाँ पर लेबर
इंटेंसिव सेक्टर ऑब्वियसली सारी कंट्रीज हैं, उन लेबर लॉस को बहुत ईज किया, बहुत नॉर्मल किया. क्यों? क्योंकि टैरिफ वॉर के चक्कर में बहुत सारी कंपनी चाइना से बाहर जा रही है. अब चाइना से जब कंपनीज बाहर जाएंगी तो वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म ढूंढेंगी जहाँ पर जैसे नॉर्म्स चाइना में हुआ करते थे या बहुत ही ईज नॉर्म, बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म था, वैसा मिल जाए. तो वियतनाम, इंडोनेशिया इवन बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो इनके यहाँ पर जा कर के अपना सेटअप तैयार करें. बांग्लादेश भी इसमें कहीं आगे है अगर हम इंडिया से कंपेरिजन में देखें तो. इवन एक रिपोर्ट है, जब आप फीमेल एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो वहाँ पर भी लिख सकते हैं कि बांग्लादेश में इंडिया के कंपेरिजन में ज़्यादा फीमेल एम्प्लॉयमेंट है. मतलब इंडिया में बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है फीमेल के सेक्शन में अगर हम बात करें तो. दूसरा इंडोनेशिया का यहाँ पर एग्जांपल दे रहे हैं कि वहाँ के जो प्रेसिडेंट है उनका भी यही मानना है कि लेबर लॉ में रिफॉर्म होना चाहिए, और जब जब हम इस क्वालिटी को, लेबर फोर्स की क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगे तभी आगे चलकर के इकोनॉमी भी इम्प्रूव होगी. तो यहाँ पर गवर्नमेंट को भी सोच समझ कर फैसला लेने की ज़रूरत है. इसमें हम कैसा एक अभी फीचर तैयार करें जहाँ पर कि इन्वेस्टमेंट को भी हम अट्रैक्ट कर पाएँ, जो कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनीज है, उनको भी हम अट्रैक्ट कर पाएँ, हम अपने यहाँ के लोगों को नौकरी दे पाएँ और इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो बूम करे ना कि हर्ट हो. तो काफ़ी अच्छा आर्टिकल है, इसके बेसिस पर आपको आंसर राइटिंग करना है. दिस इज़ द क्वेश्चन. गवर्नमेंट डिसाइडेड दैट 44 लॉज रिलेटेड टू द लेबर मस्ट बी कंपाइल्ड इन अ फोर कोड, चार कोड के अंतर्गत ये सारे लॉज जो हैं वो इकट्ठा हो जाने चाहिए, आ जाने चाहिए. हाउ कैन दीज कोड्स हेल्प इन प्रोवाइडिंग इक्विटेबल ट्रीटमेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट लेबरर्स, जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम करते हैं उनके लिए कैसे फ़ायदेमंद हो सकता है ये, एंड प्रोवाइडिंग देम सोशल वेलफेयर मेजर्स एट द सेम टाइम. तो दोनों बैलेंस कैसे किया जाए कि उनको जो इक्विटेबल ट्रीटमेंट है कंपनी के द्वारा वो भी मिले और साथ में जो वेलफेयर मेजर्स हैं वो भी ले लिए जाएं. डिस्कस करना है 150 शब्दों में, कई सारे फैक्ट आपको बता दिए गए. आप अपने आंसर की शुरुआत डाटा, फैक्ट, कोई हिस्टोरिकल इवेंट, डेफिनेशन से कर सकते हैं. अब इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो यहाँ पे डाटा आपके सामने आ सकता है. अभी जो करंट डाटा भी है कि कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है तो आप वहाँ से अपना आंसर शुरू कर सकते हैं. उसके बाद बॉडी पार्ट की हम बात करेंगे तो वहाँ पर जो बेसिक रिफॉर्म भी प्रपोज किया गया है, पहले आप उस बेसिक रिफॉर्म के बारे में बताएंगे क्या उससे बेनिफिट हो सकता है. उसमें जो चार अभी हमने की फीचर को डिस्कस किया उसकी फीचर को आप वहाँ पर लिख देंगे डायरेक्टली कि फिक्स टर्म रहने से क्या फ़ायदा होगा. उसके बाद जो ट्रिब्यूनल बनाए जा रहे हैं उससे क्या फ़ायदा होगा, और उसके बाद आपको जो कुछ चैलेंजेस भी अराइज हो रहे हैं उसको भी इसमें डिस्कस करना है कि कैसे अगर हम जो कंपनीज हैं उसके ऊपर अगर कोई लीगल नॉर्म्स को नहीं लगाते हैं तो इससे एक्सप्लॉयटेशन भी हो सकता है लेबर सेक्टर का. तो उसको भी आप अपने आंसर में कोट करके ऐड करके फिर कंक्लूड करेंगे. ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल पर. काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये. इसमें अभी जो आंध्र प्रदेश में डिसीजन लिया गया है वहाँ के बार के लिए नई पॉलिसी लाई जा रही है तो उसी पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं. तो उसका नाम क्या है, न्यू पॉलिसी ऑन बार्स. और इसमें आंध्र प्रदेश में डीमोटिवेट किया जा रहा है ये जो बार वगैरह चलते हैं स्टेट में, उसको डीमोटिवेट किया जा रहा है. तो डीमोटिवेट करने का क्या तरीका है, पैसे वगैरह बढ़ा दिए जाएं, नॉर्म्स को बहुत स्ट्रिक्ट कर दिया जाए, मतलब इतना इतना परेशान कर दिया जाए उस सेक्टर को कि वो उस काम को धीरे धीरे बंद करने लग जाए. तो संभव वही करने की कोशिश की जा रही है. लाइसेंस फी को पर एनम यहाँ पर बढ़ा दिया गया और नॉन रिफंडेबल बनाया गया है एप्लीकेशन फ़ी फॉर न्यू बार लाइसेंस. अगर किसी को न्यू बार लाइसेंस के लिए, सॉरी, नए बार खोलने के लिए लाइसेंस चाहिए तो 10 लाख रुपए का उनको एप्लीकेशन फ़ी देना होगा और ये नॉन रिफंडेबल होगा. मतलब आपको मिला लाइसेंस तो ठीक है, नहीं मिला तब भी पैसे आपको नहीं मिलेंगे. तो ये सारे फीचर्स वहाँ पर ऐड किए गए हैं, इसी पर आर्टिकल लिखा जा रहा है. देखिए आर्टिकल में जो मानना है वो इसके ऑपोजिट में मानना है. इनका कहना है कि अभी जो प्रपोजल लाया है वहाँ पे आंध्र प्रदेश में वहाँ के चीफ मिनिस्टर के द्वारा, जगन मोहन रेड्डी अभी वहाँ पर चीफ मिनिस्टर हैं आंध्र प्रदेश में, और इनका जो ये डिसीजन है कि न्यू बार लाइसेंस पॉलिसी को लाया जाए और डीमोटिवेट किया जाए इस सेक्शन को, लाइसेंस फ़ी को बढ़ा करके, तो ऑब्वियसली ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, अच्छा स्टेप लग रहा है. अगर हम सोशल नॉर्म्स में बात करें तो बहुत अच्छी बात है कि लीकर वगैरह को जिस तरीके से दूसरे राज्य बैन करते हैं उसी तरीके से ये गवर्नमेंट भी आगे बढ़ रही है और अपने यहाँ पर जो सोशल फैक्टर्स हैं उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश कर रही है.
इससे क्या होगा कि जो कॉस्ट ऑफ कंजम्पशन है वो बढ़ जाएगा, लोगों को ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे और इससे लोग डिमोटिवेट होंगे। ये स्टेप क्यों लिया गया है? तो रूरल एरिया वगैरह में अल्कोहल की डिमांड बहुत बढ़ रही है, तो इसलिए ये स्टेप स्टेप लिया जा रहा है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। लेकिन इसका निगेटिव क्या फैक्टर हो सकता है? निगेटिव फैक्टर क्या होगा कि इसमें जो इकोनॉमिक नॉर्म्स हैं, स्टेट का जो इकोनॉमी है, इससे अफेक्ट होगा। तो आइए इस पे जो निगेटिव डिस्कस किया गया है, इसका पॉजिटिव तो आपको इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर आर्टिकल में निगेटिव टर्म्स को बताया गया है कि ये जो नई पॉलिसी लाई जा रही है इससे क्या नुकसान हो सकता है। तो देखिए, जब कोई चीज़ आदत में आ जाती है, एडिक्शन होता है, तो एडिक्शन का कोई ऐसा इलाज नहीं होता कि आप, अगर कोई भी व्यक्ति एडिक्टेड है, मान लीजिए अगर हम आपकी बात करते हैं या नॉर्मल व्यक्ति की बात करते हैं जिनको टाइम मैनेजमेंट ना करने की आदत है, मतलब हमें आदत पड़ चुकी है कि हमें जब मन आएगा, जो मन आएगा तब वो करेंगे, हम टाइम बाउंड रह करके कोई काम नहीं कर सकते हैं, तो उसका इलाज क्या है, क्या हो सकता है वहाँ पर? अगर किसी को लीकर लेने की आदत है, अल्कोहल लेने की आदत है, तो उस आदत को कैसे खत्म किया जाए? इसमें अब आप लाइसेंस फी बढ़ा दीजिए या कुछ भी कर दीजिए, इसमें उन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा जो अल्कोहल को कंज्यूम करते हैं। वो इधर से उधर से पैसे ले ही आएंगे अल्कोहल को कंज्यूम करने के लिए। बस इसका नुकसान क्या होगा? इकोनॉमी दोनों जगह की डाउन होगी, स्टेट के पास भी पैसे कम आएंगे और दूसरा जो फैमिली है वो भी इससे बियर करेगी, क्योंकि अगर फैमिली में एक बंदा भी इस चीज़ का एडिक्टेड है तो वो क्या करेगा? सारा पैसा जा करके अपना अल्कोहल में खर्च करेगा और फिर फैमिली के ऊपर भी बजट का बर्डन पड़ने लग जाएगा। तो इसका क्या उद्देश्य हो सकता है कि आप काउंसलिंग कराएं, मेडिकल केयर प्रोवाइड करें, अवेयरनेस कैंपेन चलाएं। अगर आपको लोगों को इस चीज़ से बचाना है तो इंडिविजुअल पर फोकस करने की ज़रूरत है, ना कि उसके इंस्टीट्यूशन पर हम फोकस करें। हालांकि देखिए, हम यहाँ पर निगेटिव एस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, वो भी एक तरीका हो सकता है। जब हम इंस्टीट्यूशंस पर फोकस करते हैं तो वहाँ से भी चीज़ें टफ होती हैं, बट इसको दोनों वे में लेकर के चलने की ज़रूरत होती है। हालांकि आर्टिकल में जो कहा गया है वही हम बात करेंगे यहाँ पर। आगे आर्टिकल में कहा जा रहा है कि ये जो शिफ्ट किया अभी, ये ऐसा नहीं कि पहली बार ऐसा हुआ, ऐसे पहले भी कई बार हो चुका है। अगर हम अदर स्टेट की बात करें तो बिहार का एग्जाम्पल ले लीजिए। बिहार में क्या हुआ, 2016 में प्रोहिबिट कर दिया गया लीकर कंजम्पशन को, ठीक है। अब इसके बाद 2 लाख लोगों को इंस्टेंट अरेस्ट किया गया, और क्योंकि इस केस में अरेस्ट कर लिया गया, एंड उसके बाद 52 लाख लीटर अल्कोहल को सीज किया गया, और यहाँ पर सॉरी 1.67 लाख पीपल को अरेस्ट किया गया था। उसके बाद दिक्कत क्या हुई कि जब उनको अरेस्ट किया गया तो उसमें 40,000 लोगों को तो बेल तक नहीं मिल पा रही है अभी। हाईकोर्ट में बेल जो है वो पेंडिंग में है। तो इससे क्या हुआ, जुडिशरी, वहाँ के पुलिस सब इस चक्कर में पड़े हुए हैं कि आखिर क्या करें। जो वहाँ के लोग हैं वो भी बेचारे परेशान हैं, अब उनको तो आदत पड़ी हुई थी, उनको समझ आया नहीं रूल्स और नॉर्म्स क्या चल रहे हैं, और वो पकड़े गए तो वो बाहर नहीं आ पा रहे हैं। इस वजह से बिहार की अलग कहानी चल रही है। बात करते हैं साउथ इंडिया की, तो वहाँ पर भी पहले TN रामा राव की जब गवर्नमेंट थी 1990s के समय में, तब उन्होंने भी प्रोहिबिट किया था, लेकिन उसके बाद जब चंद्रबाबू नायडू की सरकार आई तो उन्होंने फिर रिलीज कर दिया, लिफ्ट कर दिया ऐसे किसी भी बैन को, क्योंकि इससे उनका रेवेन्यू लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो यहाँ पर यही सलाह दी जा रही है सरकार को, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट को, कि आपको अपने जो अदर स्टेट हैं, बिहार या अदर स्टेट जहाँ पर इसको लीकर को बैन किया गया है, उनसे सीखना होगा, साथ में जो पास्ट हिस्ट्री है उससे भी सीखना होगा। और अगर आपको लीकर बैन करना है या लोगों को सही रास्ते पर लेकर के जाना है, सोशल इंफ्रा और सोशल स्ट्रक्चर को सही बनाना है, तो इसके लिए और कई सारे स्टेप्स हो सकते हैं। इसमें अवेयरनेस का एक स्टेप हो सकता है, मेडिकल काउंसलिंग का स्टेप हो सकता है, लोगों को और कैसे डिमोटिवेट किया जाए कि वो अल्कोहल ना कंज्यूम करें, उनको मोटिवेट कैसे किया जाए कि वो कंज्यूम ना करें, इसके लिए क्या हम उनको किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं, रूट कॉज का पता लगा सकते हैं कि आखिर वो व्यक्ति इन सब चीज़ों में क्यों है उलझा हुआ। तो ये सारे जो डिसीजंस हैं वो सही होंगे, रैदर देन कि आप जब नए बार पॉलिसीज़ को लेकर के आ रहे हैं तो आपकी स्टेट इससे अफेक्ट होगी, क्योंकि आपके यहाँ पर इकोनॉमी डाउन जाएगी। आगे बढ़ते हैं, अगला आर्टिकल है दे ऑल फेल डाउन। इसमें हम बस एक ओवरव्यू लेंगे, आर्टिकल पूरा इम्पोर्टेंट नहीं है, पॉलिटी पर बेस्ड ये आर्टिकल है। बात महाराष्ट्र के इलेक्शन की जा रही है, ठीक है। पूरी कहानी तो आपको मालूम है, जिस तरीके से इलेक्शन हुआ उसके बाद सरकार बनाने की वहाँ पर होड़ चली, सरकार नहीं बना पाने की वजह से प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया।
लेकिन तभी अचानक 23 नवंबर की मॉर्निंग में रिवोक कर लिया गया आर्टिकल 356 को, यानी जो प्रेसिडेंट रूल लगाता है उस आर्टिकल को हटा लिया गया। और वहीं पर सुबह सुबह ही बीजेपी ने क्लेम किया कि वो गवर्नमेंट बना सकते हैं और अजीत पवार जी जो कि एनसीपी से हैं उनके साथ मिलकर के उन्होंने क्लेम किया और बीजेपी ने वहां पर सरकार अभी बना लिया। ठीक है, अब यहां पर ये सब जो इवेंट हुआ उससे क्या क्या दिक्कतें आईं, तो आर्टिकल का ये मानना है कि इससे इंस्टीट्यूशंस फॉल हो रहे हैं। अब देखिए, पहले तो जो गवर्नर का ऑफिस है वो भी इस कैटेगरी में आ जाता है कि भाई आपने ऐसे कैसे डिसीजन लिया, सुबह सुबह में कैसे प्रेजेंट रूल को रिवोक कर दिया गया। उसके बाद अभी जब फ्लोर टेस्ट की बात चल रही, देखिए फ्लोर टेस्ट आपको पता है क्या होता है, फ्लोर टेस्ट में जो भी सरकार सरकार बनाती है, जो भी गवर्नमेंट क्लेम करती है कि वो सरकार बनाना चाहती है, अगर वो बना भी चुकी है तो उसको फिर फ्लोर पर आकर के अपने बहुमत को साबित करना पड़ता है कि हाँ उनके पास इतने लीडर्स हैं। अभी जैसे कि रीसेंट जो कैलकुलेशन भी सीट्स बन रही हैं, उसके बाद दूसरा क्लेम किया जा रहा है सेम एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना, ये तीनों मिलकर के क्लेम कर रहे हैं कि उनके पास 160 के करीब सीट पूरी हो रही हैं। तो ये पूरा मामला अभी वहां पर चल रहा है और फ्लोर टेस्ट के लिए कहा जा रहा है। दूसरा, ये जुडिशरी का भी मुद्दा उठाते हैं कि जुडिशरी को जब इस बात पर बहुत ही स्ट्रिक्टली अमल करना चाहिए तो वो क्या कर रहे हैं, डे पे डे दे रहे हैं हियरिंग के लिए। अभी हालांकि आज का ही दिन तय हुआ था कि मॉर्निंग में आज जो भी फैसला है आने वाला है, शायद आ चुका होगा, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी फिर यहाँ पर फैसला लिया जाएगा कि कैसे क्या चीज़ें आगे बढ़नी है। तो इनका आर्टिकल का मानना है कि इससे इंस्टीट्यूशनल फॉल हो रहे हैं, डेमोक्रेसी के खिलाफ हो रही हैं ये सारी चीज़ें, और ये जो पॉलिटिकल ड्रामा चल रहे हैं कि कभी बीजेपी एनसीपी के साथ क्लेम करते हैं, कभी एनसीपी में ही गुटबंदी अलग अलग ग्रुप डिवाइड हो जा रहे हैं, शरद पवार जी का अलग क्लेम है और अजीत पवार का अलग क्लेम है, तो ऐसे में उसके बाद कांग्रेस और शिवसेना का अपना चला था ड्रामा कि भाई वो लोग सरकार बनाएंगे, फिर वो जल्दी से सोच नहीं पाए तो दूसरी पार्टी आ गई सरकार बनाने के लिए। फिर अगर हम बहुत इनिशियली बात करें तो बीजेपी और शिवसेना ने मिलकर के इलेक्शन लड़ा था, इलेक्शन फाइट किया था, और जब इलेक्शन हो गया तो फिर उन्होंने अपना वो जो अलायंस था उसको ब्रीच कर लिया। तो ये जो चीज़ें चल रही हैं वो जाहिर तौर पर बहुत ज़्यादा पॉलिटिसाइज हो रही हैं सारी चीज़ें, और ऐसे में जो जनता इस चीज़ जिसको चुन रही है वो किधर जाएगी, मतलब अगर यहाँ पर हम बात करते हैं डेमोक्रेसी की तो वो किधर इंश्योर हो रहा है। अगर ये तोड़ फोड़ करके सरकार बना रहे हैं, उसके बाद जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे अभी अभी जब फ्लोर टेस्ट होगा तो उसमें प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त किया जाएगा, प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त किया जाता है गवर्नर के द्वारा, और वो जो सीनियर मोस्ट मेंबर होते हैं उनको बनाया जाता है। लेकिन इससे पहले गोवा कर्नाटका के मुद्दे में इस रूल को ब्रीच किया गया था, हालांकि ये कंपलसरी या बाइंडिंग नहीं होता है कि आप सीनियर मोस्ट को ही बनाएं प्रोटेम स्पीकर, लेकिन ये रूल होता है, बट इस रूल को ब्रीच किया गया पहले भी गोवा कर्नाटका में, और उसके बाद अभी फिर से महाराष्ट्र में वही वाली सिचुएशन बन रही है। तो क्या यहाँ फिर से एक बार उस रूल को ब्रीच किया जाएगा, क्योंकि प्रोटेम स्पीकर जो होते हैं वो अगर मान लीजिए टाई की सिचुएशन आ जाती है, बीजेपी अगर अपना क्लेम कर रही है तो इतने लोग मेरे पास हैं, फिर दूसरी गवर्नमेंट वो भी क्लेम करी कि इतने लोग मेरे पास हैं, अब ऐसे मान लीजिए टाई हो जाता है, दोनों के पास बराबर सीट, इसके पास भी 10 सीट, इसके पास भी 10 सीट, तो अब प्रोटेम स्पीकर के पास ये ऑप्शन होता है कि वो अब अपनी पार्टी को समर्थन दें, तो वो जिस पार्टी से होंगे वो उसी को समर्थन देंगे ऑब्वियसली। तो अब यहाँ पर क्या मामला आएगा कि अगर यहाँ पे अभी मान लीजिए कांग्रेस के मेंबर हैं जो कि सीनियर मोस्ट हैं, उनको अगर प्रोटेम स्पीकर नहीं बनाया गया, रूल ब्रीच करके बीजेपी से व्यक्ति को लिया गया कि उनको प्रोटेम स्पीकर बनाया जाएगा, तो वो फिर किसको समर्थन देंगे, बीजेपी को समर्थन देंगे। तो ये सारी जो चीज़ें चल रही हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उसके खिलाफ जा रही हैं, और वही आर्टिकल में कहा जा रहा है, इसीलिए सरकार को इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए, चीज़ें इतनी ज़्यादा पॉलिटिसाइज ना हो जाएं कि आम लोगों का भरोसा ही उठ जाए इस पूरे सिस्टम से। तो यही चीज़ें यहाँ पर कही जा रही हैं। इस पर आपको क्वेश्चन दिया गया, आप ट्राई करेंगे अपने बुद्धि विवेक से ये आंसर लिखेंगे। इसमें आपको रोल डिस्कस करना है स्पीकर का इन द कंडक्टिंग द बिजनेस ऑफ द हाउस एफिशिएंटली एंड मेंटेन ऑर्डर इन द हाउस, यहाँ पर स्पीकर को लेकर के क्वेश्चन है, इसको आप ट्राई करेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला जो आर्टिकल है वो इंडिया रशिया रिलेशन पर है, और इंडियन ओशन में रशिया का इंटरेस्ट जितना बढ़ रहा है उसी को डिस्कस किया जा रहा है। तो सबसे पहले जियोपॉलिटिक्स की बात करते हैं इंडियन ओशन में।
अभी रशिया का इंटरफेरेंस बहुत बढ़ गया है, ये क्यों कहा जा रहा है? इसके तीन इवेंट रिसेंटली देखे गए। पहला तो देखा गया कि श्रीलंका में जो हम्बनटोटा पोर्ट है वहाँ पर एक ट्रेनिंग वेसल रशिया का पैराकॉप को भेजा गया, और उसके बाद रशिया का लॉन्ग डिस्टेंस जो ब्लैक जैक न्यूक्लियर बॉम्बर फ्लू है वो साउथ अफ्रीका में गया, और साउथ अफ्रीका में काफ़ी एक्टिविटीज़ भी देखी गई रशिया की। तो ये जो इवेंट है वो बताते हैं कि रशिया इज़ नाउ इंटरेस्टेड इन इंडियन ओशन, जो कि अभी तक थोड़ा इससे दूर था। उसके बाद रशिया और चाइना का ऑब्वियसली बहुत अच्छा टाई है, अभी देखा जाए तो हाल के मामले में ट्राइलेटरल नेवल एक्साइज को कंडक्ट किया गया केप ऑफ गुड होप के पास, वहाँ पर किया गया। और अगर हम इस तीनों देश की बात करें तो ये किस में है? एक साथ ब्रिक्स में, ब्रिक्स में भारत भी है, इंडिया भी है, ब्राज़ील भी है, लेकिन ये जो एक्साइज था वो रशिया, चाइना और साउथ अफ्रीका के बीच में था। तो जाहिर तौर पर ये सारी एक्टिविटीज़ कहाँ हो रही है? इंडियन ओशन में हो रही है। चाइना का भी काफ़ी इंटरेस्ट है इंडियन ओशन में, वहीं यूएस का दबदबा है इंडियन ओशन में, और अब रशिया का इंटरफेरेंस इंडियन ओशन में ये एक मल्टीपोलर एंगल को यहाँ पर क्रिएट कर रहा है। इसके बाद अगर रशिया की बात करें, पर्टिकुलरली कंट्री की बात करें, तो जो अदर कंट्रीज़ हैं वो भी रशिया को आने देना चाहते हैं अपने यहाँ पर, बिकॉज़ अगर बात करें तो रशिया काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं दूसरे कंट्रीज़ की स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी ईरान में भी एक जॉइंट नेवल ड्रिल के लिए प्लान बनाया जा रहा है ईरान और रशिया का एक साथ, और इवन चाइना भी उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। पर्शियन गल्फ में ये जॉइंट नेवल ड्रिल एक्सरसाइज को परफॉर्म किया जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, उधर साउथ अफ्रीका, इधर ईरान, इधर श्रीलंका। तो ये सारी एक्टिविटीज़ कहाँ पर हो रही है? इंडियन ओशन में हो रही हैं। ऐसे में ऑब्वियसली इंडिया को सोचने की ज़रूरत है कि उनका जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए, उनकी जो पॉलिसी होनी चाहिए वो किस तरीके से होनी चाहिए, बिकॉज अभी जो करंट सिचुएशन है उसमें इंडिया का जो नवल कोऑपरेशन है वो ज़्यादातर यूएस और जापान के साथ है, अगर हम इंडियन ओशन के टर्म में बात करें तो। और दूसरा इंडोनेशिया, सिंगापुर, एशियन कंट्रीज़ के साथ इंडिया का टाई अप है। चाइना को तो ऑब्वियसली हम समहाउ विरोधी के तौर पर ही मानते हैं, ऐसा मानते हैं कि चाइना काउंटर करने की कोशिश करता है भारत को पोर्ट बना करके और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के माध्यम से। लेकिन रशिया और चाइना का जो कोऑपरेशन है, कोलैबोरेशन है, वो भी आपको पता है। तो ऐसे में इंडिया की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, और अगर रशिया का इन्फ्लुएंस इंडियन ओशन में बढ़ता है तो उसमें जो अदर कंट्रीज़ हैं, अदर कैलकुलेशन फिर किस तरीके से इमर्ज होंगी? फिर वहाँ पर यूएस है, जापान है, यूरोप है, उनके साथ किस तरीके से जो एक सिचुएशन है इंडियन ओशन में, वो मेरिटाइम सिचुएशन है, वो कैसे क्रिएट होने वाली है, ये तो खैर आगे हम देखेंगे, ये वक्त बताएगा। लेकिन अगर हम बात पॉइंट पर करते हैं रशिया की, कि रशिया का क्या क्या फ़ायदा है और रशिया क्यों यहाँ पर इंडियन ओशन में आना चाहता है, इसके पीछे पहला कारण बताते हैं कि वर्ल्ड के मेजर आर्म एक्सपोर्टर्स में से एक है रशिया, ठीक है, और उसमें इंडियन ओशन रीजन जो है वो आज के समय में ऐसी सारी कंट्री जो कि आर्म एक्सपोर्ट करती है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो यूएस हो या फिर वो रशिया हो। उसके बाद दूसरा कारण बताते हैं कि रशिया का जो मिलिट्री इंटरवेंशन रहता है, इसे अभी सीरिया में देखा गया, बशर अल असद रिजीम को बचाने के लिए, उनको सेव करने के लिए, उस तरीके से अदर जो कंट्रीज़ हैं वो भी डिमांड कर रही हैं, वो भी चाहती हैं कि रशिया उनके यहाँ पर इंटरवेंशन करे, उनको सपोर्ट करे मिलिट्री परस्पेक्टिव से। तीसरा है सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से रशिया का एक नया रोल देखने को मिल सकता है, और ऑब्वियसली रशिया के पास कोई ऐसा नवल बेस तो है नहीं इंडियन ओशन में, तो इसीलिए अब यूएस का भी है, फ्रांस का भी है, यूके का भी है, लेकिन रशिया के पास अभी कोई ऐसा नवल बेस इंडियन ओशन में होना बहुत ज़रूरी है, ये भी एक मेन मुद्दा है। चौथा और सबसे इम्पॉर्टेंट, यूएनएससी के नॉर्म्स पे रशिया बहुत जगह पर सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है, बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पर ये सिक्योरिटी परस्पेक्टिव से इंटरवेंशन करता है, हेल्प करता है। तो ऐसे में अफ्रीकन नेशन भी उनमें से एक है जहाँ पर ये रीसेंट अपने अफेयर्स को बढ़ाना चाहते हैं। तो ये सारे जो व्यू पॉइंट है वो रशिया के हैं कि वाई रशिया इज़ इंटरेस्टेड इन इंडियन ओशन नाउ। वे फॉरवर्ड कहा जा रहा है कि अभी रिसेंटली जो S-400 मिसाइल की डील थी, वहाँ पर यूएस के वार्निंग के बावजूद भी इंडिया ने रशिया के साथ अपने रिलेशन को कंटिन्यू किया और ये डील फाइनल की। तो भारत में डिफेंस के मामले में
हमेशा से कोऑपरेशन रशिया के साथ रहा है भारत का। देखिए यहाँ पर आर्टिकल में तो पूरे तौर पर चैलेंजेस को डिस्कस किया जा रहा है कि इंडिया के लिए कौन कौन से चैलेंजेस हैं, लेकिन रशिया का अगर इन्फ्लुएंस बढ़ता है इंडियन ओशन में तो ये एक अपॉर्चुनिटी की बात हो सकती है भारत के लिए, क्योंकि रशिया इज एवर रशिया इज ऑलवेज अ गुड फ्रेंड ऑफ इंडिया। ठीक है, भले ही हाँ रिलेशन बहुत अच्छा अभी अगर नहीं भी है तब भी रिलेशन अच्छा है और हमेशा से दोनों देशों का रिलेशन बहुत अच्छा रहा है, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट आई हो भारत में, लेकिन दोनों देश की जो रिलेशन में वो कोई कमी नहीं आई है और ये एक अपॉर्चुनिटी है। अगर उनका इन्फ्लुएंस बढ़ता है तो इसमें चाइना को काउंटर करने में भी भारत को आसानी होगी, एक सपोर्ट होगा भारत के लिए इंडियन ओशन में इस तरीके से, और कई सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट हैं जो आपको सोचना है और उसके बाद आपको ट्राई करना है इस क्वेश्चन को। द रीसेंट एंट्रेंस ऑफ रशिया इन इंडियन ओशन प्रोवाइड्स बोथ एन अपॉर्चुनिटी एंड द चैलेंजेस फॉर इंडिया, डिस्कस करना है 150 वर्ड में। तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल हमने आज डिस्कस कर लिया, न्यूज बुलेटिन में ये पॉइंट है, इसको यहीं पर मैं आपको डिस्कस कर रही हूँ, न्यूज पेपर आप पढ़ेंगे तो सारे फैक्ट आपको वहां पर मिल जाएंगे। देखिए नंदलाल बोस से जुड़ा हुआ न्यूज है, ये पेंटर थे भारत में और अभी ये न्यूज में इसलिए है बिकॉज शांति निकेतन में इनका स्कूल था पेंटिंग का और उसी में ये व्यक्ति जो चाइना से हैं चैंग ज़ियोफेंग वो आए थे यहाँ पर सीखने के लिए, पेंटिंग को सीखने के लिए, जो कि अभी इंडिया चाइना रिलेशन में आप इसको कोट कर सकते हैं, आप जब ये न्यूज़ पढ़ेंगे फ्रंट पेज पर ही है तो ये न्यूज़ आपके काम आएगा आंसर राइटिंग करने में, वहाँ पर आप लिख सकते हैं इंडिया चाइना रिलेशन में। उसके बाद स्मॉग टावर की बात है, स्मॉग टावर में आईआईटी बॉम्बे आईआईटी दिल्ली और उसके साथ एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है जो काम कर रही है इस टावर को डेवलप करने में, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है कि जल्द से जल्द इसको इम्प्लीमेंट किया जाए, दिल्ली में स्मॉग टावर को लगाया जाए, ये 50% तक पार्टिकुलेट मैटर्स को कम करेगा। ठीक है, बाकी की और जो बेसिक फैक्ट्स और डिटेल है बाकी हमने बात कर लिया, वो आप न्यूज़पेपर में पढ़ लेंगे। स्टेबल बर्निंग के बारे में आप जानते हैं, पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश में जो पराली वगैरह जलाया जाता है उससे जो इतना धुआं फैलता है और स्मॉग क्रिएट हो जाता है उससे कितनी दिक्कतें हो रही हैं दिल्ली में ये आप जानते हैं। मिड डे मील के बारे में भी आपको पता है, यहाँ पर फ्लोर टेस्ट के बारे में भी आपको आर्टिकल में बता दिया गया है। आइए कॉरपोरेट टैक्स के बारे में भी आई होप जानते होंगे, ये डायरेक्ट टैक्स है कॉरपोरेट टैक्स जो कि कंपनीज को कॉरपोरेशंस को देना पड़ता है सरकार को। और उसके बाद स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप बिल की बात थोड़ी सी कर लेते हैं, इस बिल में यहाँ पर जो प्रपोजल है उसके अकॉर्डिंगली देखिए एक पूरी हिस्ट्री है। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप इसको बनाया गया था 1985 में, याद रखिएगा 1985 में क्यों बनाया गया, इस ग्रुप को बनाया गया था कि जो प्रधानमंत्री हैं उनको और उनके फैमिली को प्रोटेक्ट किया जा सके। ठीक है, अब 1985 में ही क्यों बनाया गया, आपको पता होगा इंदिरा गांधी के असैसिनेशन के बाद ये रूल लाया गया और तब एसपीजी का निर्माण हुआ। उसके बाद क्या हुआ, उसमें ये नहीं कहा गया था कि फॉर्मर पीएम को ये प्रोटेक्शन दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, लेकिन फिर कुछ समय के बाद जब राजीव गांधी जी का असैसिनेशन हुआ तो उसके बाद फिर से रूल में बदलाव किया गया, अमेंडमेंट किया गया 1991 में, और इसमें जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर होंगे उनको भी और उनकी फैमिली को भी ये स्पेशल प्रोटेक्शन दिया जाएगा कम से कम अगले 10 सालों तक के लिए। ठीक है, प्रधानमंत्री और उनकी फैमिली की बात हो रही है और इसी पर ये न्यूज़ है कि फिर से अमेंडमेंट लाया जा रहा है, फिर से चेंज किया जा रहा है, इसमें ये कहा जाएगा कि जो प्रधानमंत्री के साथ रहते हैं फैमिली, ऐसा नहीं कि कोई भी फैमिली कहीं है, कोई लंदन में अमेरिका में कोई इधर उधर है, तो जो फैमिली प्रधानमंत्री जी के साथ रहते हैं उनको प्रोटेक्शन दिया जाएगा। और जो भी बेसिक फैक्ट है वो आप यहां से पढ़ लेंगे, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के बारे में बेसिक आपको बता दिया गया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कर दें प्लीज़, थैंक यू।